दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसका कि हमको इंतजार था पिछले 4 साल से हरियाणा वासियों को। तो अभी हम खड़े दोस्तों केएमपी के ऊपर, और इसके मेरी राइट हैंड साइड से ही जाएगा हरियाणा ओरबिटल रेल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कितना मुआवजा आएगा, मुआवजा कब तक आ जाएगा। पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी एक नई अपडेट आई है दोस्तों इस ओरबिटल रेल कॉरिडोर की। हम एक नई अपडेट दे रहे हैं आपको, उम्मीद करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम दे पाएं इस वीडियो में। फिर भी अगर जो कुछ बताना रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और अभी मेरे सामने की साइड है कुंडली, और ये पीछे आया पलवल की साइड से। तो दोस्तों मेरे जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ से जाएगा बिल्कुल इसके साथ से 100 मीटर की जो विड्थ है उसकी ज़मीन को एक्वायर करेगी जो रेलवे है। तो एक्वायरमेंट के जो पत्थर वगैरह थे ऑलरेडी लगा दिए गए थे, जिन किसान भाइयों की ज़मीन जानी थी उनको पता भी है। तो दोस्तों सब मुख्य रूप से ये जानना चाहते थे कि इसका मुआवजा कब आएगा। तो दोस्तों मैक्सिमम अगस्त तक अब इसका मुआवजा आ जाना चाहिए। गुड़गांव में जो है, गुड़गांव वालों का मुआवजा आ भी रहा है। वहाँ पे जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 1 करोड़ से ऊपर की रकम है, और जो खरखोदा का क्षेत्र है उसमें 1.5 करोड़ के आसपास का, और जो तुरुकपुर का क्षेत्र है उसमें 1 करोड़ के आसपास का लगभग मुआवजा मिलने वाला है। और दोस्तों जो पीछे जसोर खेड़ी और जो पीछे की लैंड बाकी झज्जर की, वहाँ पे 1.8 करोड़ तक का मुआवजा मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों एक बार इस रेलवे के पैसे आने के बाद इस रेल कॉरिडोर का काम स्पीड से स्टार्ट होगा, और ये पूरा 121 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, और 5,600 करोड़ रुपये की जो इसकी है पूरी लागत आने वाली है दोस्तों। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे पीछे खरखोदा का IMT क्षेत्र भी है, जहाँ पे कि मारुति भी आ रही है। मारुति का प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि जो गुड़गांव वाला प्लांट था मानेसर वाला, वो शिफ्ट होके खरखोदा में आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ होती है दोस्तों, मारुति का प्लांट IMT खरखोदा में आ जाता है, तो आसपास के जो गांव हैं उनकी भी किस्मत उसके आने की वजह से चमक जाएगी। और आने की संभावना इसलिए भी है दोस्तों कि यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन दिया जाएगा एक तो खरखोदा का, और खरखोदा में ही पीपली गांव में यहाँ पे KMP है, इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो देखा जाए तो उनको ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है मारुति वालों को, और मारुति कंपनी भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में फंडिंग करने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे और भी डिटेल जानकारी, तो और आपकी आपको हम नीचे खेतों में ले जाके दिखाएंगे कि कौन सी जगह से रेल गुजरने वाली है। तो बने रहे वीडियो में, और किसी भाई को अपडेट अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने KMP एक्सप्रेसवे है, और इसके नीचे हम आ चुके हैं दोस्तों। यहीं से गुजरेगी जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, वो यहीं से गुजरने वाली है। ये डबल लेन होगी दोस्तों, हाईवे की ज़मीन है यहाँ तक, जहाँ पे अभी यह जवार देख रहे हैं आप, यहाँ तक है हाईवे की ज़मीन, और इस ज़मीन से आगे लगभग 100 मीटर तक अंदर की ज़मीन ली जाएगी, और यहीं पे गुजरेगा जो रेलवे का ट्रैक है, डबल लेन ट्रैक। तो दोस्तों हम बता दें कि जनवरी 2022 में HSIIDC ने कॉरिडोर के प्रथम चरण के सिविल वर्क के लिए 175 करोड़ का टेंडर जारी किया था। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर शिवम द्विवेदी ने बताया था कि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके निर्माण को लेकर कई टेंडर जारी होने हैं। प्रथम चरण में गुड़गांव मानेसर से लेकर पाटली तक के हिस्से को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 2 टेंडर जारी किए गए हैं। एक है मानेसर से पाटली के बीच 27 करोड़ 87 लाख रुपये का, इसमें सिविल वर्क होगा, इससे मानेसर सीधे दिल्ली से जयपुर रूट से जुड़ जाएगा। दूसरा टेंडर मारुति के लिए स्पेशल यार्ड बनाने का जारी किया गया है दोस्तों, 63 करोड़ 38 लाख रुपए में मारुति कंपनी तक कच्चा माल लाने और तैयार कारों को भेजने के लिए यार्ड बनाए जाएंगे। IMT खरखोदा में निर्माणाधीन प्लांट के लिए अलग से यार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, हालांकि उसके लिए अभी टेंडर जारी नहीं किया गया है। नया यार्ड बनने से अन्य उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। यार्ड मानेसर में स्थित मारुति के प्लांट से ही बनाया जाना है। रेल कनेक्टिविटी विस्तार करने के लिए KMP के साथ साथ 5,500 करोड़ की लागत में से, जो मैंने आपको बताया कि 5,600 करोड़ की लागत से ये जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है तैयार होने की संभावना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो जिस एरिया से KMP गुजरा है, और अब यहाँ से रेलवे लाइन भी आ रही है, इसके साथ में एक पंचग्राम बजाने की भी योजना आई हुई है दोस्तों, जो कि 5 सिटीज़ बनाएगी, 5 स्मार्ट सिटीज़ बनाएगी हरियाणा गवर्नमेंट। तो दोस्तों जिस एरिया में भी वो स्मार्ट सिटी बनेगी, और स्मार्ट सिटी बनाने का दोस्तों यहाँ पे
उद्देश्य ये है कि बिल्कुल जीरो से ग्रीन फील्ड पे बनाई जाएगी, मतलब जहाँ पे कि जैसे कि अब एक खेत है तो यहाँ पे ज़मीन एक्वायर कर ली जाएगी बहुत सारी, और उस ज़मीन पे जो है उस उन सिटीज़ को बिल्डअप किया जाएगा। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी यहाँ पे बनने के चांसेस वैसे भी वेरी हाई है, क्योंकि एक तो KMP हाईवे हो गया जो मेन हाईवे हो गया, यहाँ से फिर एक तो सर्विस रोड भी निकाल सकते हैं इन फ्यूचर, और जो KMP के जो हरियाणा वाली साइड है उस साइड से नहर लाने का भी प्रोजेक्ट आया है दोस्तों, न्यूज़ में आए थे अभी पीछे कि वहाँ से नहर भी निकाली जाएगी, जिससे कि जो स्मार्ट सिटीज़ होगी उनमें पानी की जो नीड होगी उनको फुलफिल भी किया जाएगा। और यहाँ पे अभी आगे मैं बताऊँगा आपको, जो दिल्ली रोहतक RRTS जो मेट्रो आ रही है, RRTS जो की है मेट्रो से भी हाई स्पीड पे चलेगी, लेकिन सुपर फास्ट से कम स्पीड होती है उसकी और मेट्रो से ज़्यादा। तो दिल्ली से जो है अपना पूरा रोहतक तक वो प्रोजेक्ट आएगा, वो भी KMP को क्रॉस करेगा, तो कनेक्टिविटी उसकी वजह से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके चलते भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी आने के पूरे चांसेस है। और यहाँ पे एक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है दोस्तों, आगे जसोर खेड़ी से स्टार्ट होता है और आगे अमृतसर वगैरह से हो गया अपना पूरा कटरा तक जाता है, तो उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस एरिया में कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, जिसकी वजह से जो स्मार्ट सिटीज़ बनने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे KMP के साथ जो अपना खरखोदा का IMT सेक्टर लग रहा है, अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी मारुति के प्लांट लगने का जो है प्रस्ताव आ चुका है, और मारुति वहाँ पे अपना प्लांट लगाने में पूरी इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ भी बन सकती है और ये एरिया जो है बहुत डेवलप हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम कर लेते हैं मुआवजे की बात। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, गुड़गांव के क्षेत्र में जो मुआवजा लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और जो अपना झज्जर का डिस्ट्रिक्ट था उसमें आज से 6 महीने पहले जो सेक्शन 20A था वो लग चुका है। उसके बाद अगर जो किसी किसान भाई को कोई आपत्ति होती है तो DM के पास जाके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, तो वो सब चीज़ों का निपटारण कर लिया गया होगा। और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हूँ अभी दोस्तों, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी जो है 2 महीने पहले जो गेजेट नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है, तो अभी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो मुआवजा है वो अगस्त तक मैक्सिमम आना स्टार्ट हो जाएगा सभी किसान भाइयों का। और दोस्तों ये आगे जाके जुड़ेगी सोनीपत की लाइन से, पलवल से स्टार्ट होगी जो रेलवे है और आगे सोनीपत की लाइन पे जाके जुड़ेगी। इस पे कई नए स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्टेशन भी है, लगभग 16 स्टेशन इस पूरी जो है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पे होने वाले हैं। तो ये रेलवे लाइन बनने से दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ है जो यहाँ के युवाओं के लिए है, आवाजाही है जो बहुत ही सुगम होने वाली है। हम इन सब चीज़ों को जल्दी कवर करेंगे और वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और किसी भाई को अपने कोई विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करना दोस्तों। कुछ अच्छा लगा हो कुछ खराब लगा हो सारी चीज़ें हमको बता देना, कुछ खराब होगा तो सुधारेंगे, अच्छा होगा तो धन्यवाद, आपका अप्रिसिएशन हमको मिलेगा तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा, और वीडियोज़ लेके आएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं और वीडियो में, हम ऐसी ऐसी बहुत ही शानदार वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर रखी है, आप उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय राम जी की।